ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी बढ़िया होंगे। वन प्लस 13 का ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुका है। इनफैक्ट वन प्लस के हेड ने खुद ही कंफर्म कर दिया है वन प्लस 13 कब लॉन्च होगा, और इस फोन के सारे स्पेसिफिकेशन लगभग बाहर आ चुके हैं। डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा, प्रोसेसर, सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक चीज दोस्तों, ये वीडियो फेक नहीं होने वाला है। स्क्रीन पे देख सकते हो इसके सारे स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं। ब्लर इसलिए कर देता हूं ताकि आप लोग बहुत ही ज्यादा चालाक हो, यहीं से देखकर भाग जाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें, तो बैक से इस फोन का डिजाइन कुछ ऐसे रहने वाला है, जहाँ पे राउंड शेप में कैमरा रहेगा और ट्रिपल कैमरे का सेटअप रहेगा विद सिंगल LED फ्लैश के साथ, और फ्रंट में आपको 3D कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगा और वन प्लस का अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलेगा ही। लेकिन हाँ, ये कुछ दिनों के बाद यार खराब हो जाता है। मेरा खुद का फोन है जिसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसका भी अलर्ट स्लाइडर बटन खराब हो चुका है। वैसे भी आजकल वन प्लस के फोन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अपडेट करने के बाद इसका मदरबोर्ड खराब हो जा रहा है, ऐसा बहुत केस आ रहा है, तो सोच समझ कर ही आप फोन लेना। आगे बढ़ते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तरफ। तो 6.82 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व स्क्रीन देखने को मिलेगा। 2K BoE-X2 मटेरियल डिस्प्ले रहने वाला है और 120 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों BoE डिस्प्ले का ट्रेंड चलने वाला है, सभी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में यही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। BoE एक चाइना का कंपनी है, बिंग ओरिएंटल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म है। दोस्तों ये एक डिस्प्ले बनाने वाली कंपनी है। इसका डिस्प्ले आपको पहले TV में देखने को मिलता था, अब ये फोन में भी देखने को मिलेगा। काफी पॉपुलर कंपनी है, तो आई होप आपको मोबाइल में भी काफी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन को आप आउटडोर या इनडोर कहीं भी यूज करो, कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, और इस डिस्प्ले के बारे में लॉन्च के बाद और अच्छे से जान पाओगे। और वहीं पे बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसमें एंड्रॉइड का सबसे लेटेस्ट पावरफुल चिपसेट देखने को मिलने वाला है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का चिपसेट। दोस्तों इसका Antutu स्कोर 30 लाख प्लस आता है, और इसका गीग बेंच पे सिंगल और मल्टी कोर स्कोर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो दोस्तों कोई भी गेम हो, कितना भी GB का हो और कितना भी हेवी मल्टीटास्किंग करो, इस फोन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी चीजें मक्खन की तरह चलने वाली है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप नॉच रहने वाला है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल पे देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के कैमरा की बात करें, बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। सभी कैमरा 50 मेगापिक्सल के रहने वाले हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा विद OIS के सपोर्ट के साथ, और इसमें सोनी लाइट या 808 सेंसर देखने को मिलेगा, और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा, और तीसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको सोनी के लाइट या 600 सेंसर का यूज किया जाएगा। और वहीं पे इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। इस फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K वीडियोग्राफी शूट कर पाओगे, और इस बार भी इस फोन का कैमरा Hasselblad के पार्टनरशिप के साथ ही आने वाला है, तो नो डाउट इस फोन का कैमरा बेस्ट रहेगा, और वन प्लस का फोन कैमरा के लिए ही जाना जाता है। और इस फोन के बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 100W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, और चार्जर टाइप सी रहने वाला है और चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैटरी और चार्जर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा देखने को मिलता है। इस फोन के अदर फीचर्स की बात करें तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फेस अनलॉक का फीचर रहने वाला है, लेटेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन OS 15 पे रन करेगा। और हाँ, इस फोन में आपको IP68 या IP69 का रेटिंग देखने को मिल जाएगा, यानी डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होने वाला है। गलती से आपके फोन पे पानी गिर भी जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। रैम एंड रूम की बात करें तो LPDDR5X रैम टाइप देखने को मिलेगा, और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। और हाँ, इस फोन में आपको हाईएस्ट 24GB तक रैम देखने को मिलेगा। इस फोन के जितने भी स्पेसिफिकेशन थे सारे के सारे मैंने आपको बता
दिए हैं। अब बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट की। तो दोस्तों OnePlus के हेड ने खुद OnePlus 13 का लॉन्च डेट अनाउंस कर दिया है। दोस्तों अक्टूबर मंथ में OnePlus 13 चाइना में लॉन्च होने वाला है। तो जो भी फोन चाइना में लॉन्च हो जाता है तो 1 से 1.5 महीने के बाद इंडिया में वो फोन आ जाता है। तो पकड़ के चलो ये फोन इंडिया में नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा या फिर आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। इस फोन के प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरिएंट 12 GB रैम 256 GB से स्टार्ट होगा, जिसका प्राइस आपको 70,000 के अप्रोक्स रहने वाला है। तो इस फोन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी चीज छूट गया हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे इस फोन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगा। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।